हेलो एंड वेलकम टू जेडी स्टडीज। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफार्मर देखा था। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर का टेम्परेचर राइज देखने वाले हैं, किस अकॉर्डिंग टेम्परेचर का राइज होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। ये जो टेम्परेचर राइज वाली प्रॉब्लम है या फिर कूलिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसफार्मर में सेम होती है जैसे हमारी रोटेटिंग मशीनरी में होती थी। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि कूलिंग और जो राइस था वो दोनों ही मशीन में, यानी स्टेटिक मशीन हो गई कि आपकी रोटेटिंग मशीन हो गई, दोनों ही मशीन में आपके टेम्परेचर राइस या फिर कूलिंग जरूरी है। तो ये जो टेम्परेचर राइस होता है ट्रांसफार्मर में, उसके कारण हमारा लॉसेस जो है वो डेवलप होता है ट्रांसफार्मर के अंदर और कोर में और उसकी वाइंडिंग्स में, जो हमारा कन्वर्ट होता है थर्मल एनर्जी में और उसके कारण क्या होता है, हीट जनरेट होती है और ट्रांसफार्मर के पार्ट्स हमारे गर्म होते हैं और लॉसेस हमारा बढ़ जाता है। तो जहां से सोर्स जो हीट का डायरेक्टेड है वहां से तो उसकी थर्मल ग्रेडियंट है, और जहां पे वो ट्रांसफर हो रही है कूलिंग मीडियम में, जैसे कूलिंग मीडियम कैसे कैसे होते हैं, आपके एयर थ्रू हो जाता है, वाटर थ्रू हो जाता है, या फिर आप कूलेंट यूज करते हैं, ये सब चीजों से आप क्या करते हैं ट्रांसफार्मर का कूलिंग करते हैं। तो जो हीट डिसिपेशन हो रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आपका होता है रेडिएशन से और कन्वेक्शन से, वैसे ही ट्रांसफार्मर में भी हीट हमारी डिसिपेट होती है। कैसे? बाय यूजिंग द रेडिएशन और कन्वेक्शन टेक्निक। ओके, तो जो हमारा पाथ ऑफ हीट फ्लो है वो हमारा कैसा है, तो उसमें पहला पॉइंट ये रहेगा कि हमारे जो इंटर मोस्ट हीटेड स्पॉट होते हैं, जैसे कोर हो गया, वाइंडिंग्स हो गया, तो वो जो आउटर सरफेस होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसी आउटर सरफेस पे ऑयल को फ्लो करवाते हैं ताकि हमारी हीट फ्लो हो सके। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो आउटर सरफेस एकदम बाहरी सरफेस होती है ट्रांसफार्मर की पार्ट की, उसमें हम लोग ऑयल को सर्कुलेट करके या फिर नेचुरल एयर थ्रू हम लोग उसे ठंडा करते हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, फ्रॉम द ऑयल टू बॉल्स ऑफ द कूलर फॉर इंस्टेंट ऑफ द टैंक। ठीक है, मतलब टैंक के आसपास हम लोग किसी कूलर का यूज करके हम लोग उसे कूल कर सकते हैं, मतलब हीट फ्लो करवा सकते हैं। देन चौथा तरीका क्या हो सकता है कि हमारा जो एयर हो गया, वाटर हो गया, फिर कोई भी कूलेंट हो गया, इन सबको क्या करते हैं हम लोग, इन सबको ट्रांसफार्मर के टैंक की वॉल पे इसे सर्कुलेट करते हैं और हीट फ्लो को बढ़ावा देते हैं, मतलब हीट फ्लो हमारा कूलिंग मीडियम के तौर पे हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने पहला देखा हमने कि इंटरनल मोस्ट जो हीटेड स्पॉट होते हैं, जैसे उसका कोर हो गया, वाइंडिंग्स हो गई, ये सबको क्या करते हैं हम लोग उसके आउटर सरफेस में ऑयल के साथ कॉन्टेक्ट करके उसे ठंडा करते हैं। तो ये जो हीट फ्लो की प्रक्रिया हो रही है, तो फर्स्ट सेक्शन में वो कंडक्शन के थ्रू हो रही है, सेकंड और थर्ड जो हमने देखा वो हमारे कन्वेक्शन के थ्रू हो रही है, यानी ऑयल में जो हीट का फ्लो हो रहा है वो कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है, और जो लास्ट वाला सेक्शन जो हमने देखा उसमें हीट आपके कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू आपके डिसिपेट हो रही है। ओके, सो टेम्परेचर राइज इन ट्रांसफार्मर में हमारा मेन मुद्दा है टेम्परेचर और ट्रांसफार्मर ऑयल एज अ कूलिंग मीडियम। तो मैं यहां पे टॉपिक मार देता हूं टेम्परेचर राइज इन ट्रांसफार्मर, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं ट्रांसफार्मर ऑयल अच्छा ये टॉपिक पॉइंट मारने से पहले मैं एक पॉइंट यहां पे लिख देता हूं कि जो हीट फ्लो हो रहा है, हीट फ्लो इन ट्रांसफार्मर इज डन बाय, कैसे डन हो रहा है, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये तीनों प्रोसेस से हमारा ट्रांसफार्मर में हीट फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो देन इसके बाद मैं एक पॉइंट, पहला पॉइंट मान लेता हूं कि आपका ट्रांसफार्मर ऑयल
एज ए कूलिंग मीडियम। हाँ ठीक है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल एज अ कूलिंग मीडियम। तो टेम्परेचर जो होता है, मतलब ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑयल का जो टेम्परेचर होता है, वो हमें पता चला है कि 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। मतलब ये हमें हमने टेस्ट किया है और वो टेस्ट से हमें ये चीज पता चली है कि जो ऑयल का वर्किंग टेम्परेचर है वो हमारा होता है 50 डिग्री to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो ऑयल की विस्कोसिटी होती है वो उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होती है, और जो स्पेसिफिक हीट डिसिपेशन होता है वो ऑयल में कन्वेक्शन थ्रू होता है। तो ये जो स्पेसिफिक हीट का डिसिपेशन है वो किस कन्वेक्शन के थ्रू होता है, वो हमारा इक्वेशन यहाँ पे रहेगा, लैम्बडा कन्वेक्शन इज इक्वल टू 40.3 थीटा बाय एच रेस टू 1/4। यूनिट क्या रहेगी? वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, जहां पे ये आपका थीटा क्या है? थीटा है आपका टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ सरफेस रिलेटिव टू ऑयल। और ये एच क्या है आपका? हाइट ऑफ डिसिपेटिंग सरफेस। हाइट ऑफ डिसिपेटिंग सरफेस। ओके, ये जो आपका इक्वेशन है ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसको आपको फॉर्मूला फॉर्मुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो ये इक्वेशन में अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो आपका थीटा है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो आपकी हाइट है वो 0.5 से लेके 1 मीटर तक है, तो अगर आप लोग लैम्ब्डा कन्वेक्शन गिनते हैं तो 40.3 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय आप अगर 1 मीटर लेते तो 1 मीटर, तो आपका जो लैम्ब्डा कन्वेक्शन कितना आएगा? 8200 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये जो फिगर आई आपकी 8200 वॉट मीटर वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो ये जो फिगर आई ये आपकी कन्वेक्शन के कारण हो रही है और ड्यू टू द एयर हो रही है आपका 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। तो कन्वेक्शन जो हो रहा है ऑयल ऑयल के अंदर कंपेयर टू एयर वो 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, अगर आप एयर से इसका कन्वेक्शन करवाते तो 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड ही आपकी वैल्यू आती है, लेकिन अगर आप ऑयल यूज कर रहे हैं तो 10 टाइम्स बेटर, 10 टाइम्स ज्यादा कन्वेक्शन हो रहा है फ्रॉम द ऑयल। ओके, सो ये तो हो गई बात ट्रांसफार्मर ऑयल की एज अ कूलिंग मीडियम। मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल आपका ज्यादा बेटर एफिशिएंट है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, देन दूसरा पॉइंट है इसमें टेम्परेचर राइज इन प्लेन वॉल्ड टैंक्स। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? टेम्परेचर राइज इन प्लेन वॉल्ड टैंक्स। तो जो टैंक की वॉल होती है, मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल में आपने देखा, ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा कि उसकी जो टैंक होती है उसकी जो वॉल्स है उसमें जो हीट डिसिपेशन हो रहा है वो होता है हमारा रेडिएशन से और कन्वेक्शन से, ये दो प्रोसेस से होता है। तो एक्सपेरिमेंटली जो हमारी प्लेन टैंक की सरफेस होती है वो 6 to 6.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड जितना हीट डिसिपेट करती है बाय द रेडिएशन और कन्वेक्शन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो यहां पे टेम्परेचर राइज देखे तो देखिए मैं यहां पे आपके लिए लिख देता हूं, बाय एक्सपेरिमेंटली दैट द प्लेन टैंक सरफेस डिसिपेट 6 and 6.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड बाय रेडिएशन
एंड कन्वेक्शन रिस्पेक्टिवली। ओके, तो यहां पे जो आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है वो आपका नियरली अबाउट टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और एम्बियंट टेम्परेचर से वो 20 डिग्री ज्यादा है, तो जो टोटल लॉस हो डिसिपेट हो रहा है वो हमारा कितना हो रहा है 12.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो सारी जो मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ ये आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करी गई है, लेकिन आपको ये सारी चीजें डायरेक्टली ध्यान रखनी है, डायरेक्टली याद रखनी है। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है, तो टेम्परेचर राइज थीटा वो हो रहा है आपके टोटल लॉस, कितना टोटल लॉस डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट डिसिपेशन मल्टीप्लाई बाय इट्स सरफेस। ओके, तो टोटल लॉस कितना है, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस यानी पीआई प्लस पीसी जितना, और डिवाइड बाय उसकी स्पेसिफिक हीट वो कितनी है हमारी 12.5 इंटू उसका सरफेस यानी एचटी, समझ गए। तो इतना हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है प्लेन वॉल्ड टैंक के अंदर, जहां पे आपका ये एचटी क्या है, हीट डिसिपेटिंग सरफेस ऑफ टैंक है। सरफेस जो हमने कंसीडर करी है यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ऊपर ये वाला, ये फॉर्मूला में आपका टोटल एरिया क्या है आपका, वो आपकी वर्टिकल साइड ऑफ द टैंक प्लस 1/2 ऑफ द इट्स कवर एरिया। ओके, और एरिया ऑफ बॉटम टैंक जो है वो हमने निग्लेक्ट किया हुआ है, क्योंकि बॉटम साइड में क्या है, कूलिंग जो है इफेक्ट उसको हम लोग क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, बहुत स्मॉल होती है इसलिए उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो ये एसटी है उसमें क्या क्या आपको खाली करना है, जो साइड वाला हिस्से है आपके वो प्लस जो ऊपर वाला कवर वाला एरिया है बस उतना ही आपको एरिया कवर अप करना है। ओके, नाउ ट्रांसफॉर्मर के लो आउटपुट ट्रांसफॉर्मर के लिए जो प्लेन वॉल टैंक होती है वो इतनी लार्ज करी जाती है कि ऑयल आपका क्या है, टेम्परेचर राइज को उसकी विद इन लिमिट रखने के लिए सफिशियंट होता है, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लार्ज आउटपुट वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके जो वॉल टैंक होती है उसमें आपका ऑयल जो है वो सफिशियंट नहीं होता उसे ठंडा रखने के लिए, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग जैसे फैन लगा दिया आपका, नेचुरली ठंडा हो रहा है आपका, तो एक्स्ट्रा चीज हम लोग लगाते हैं उसको टेम्परेचर राइज को विद इन द लिमिट रखने के लिए। ओके, नाउ इसी में हमारा तीसरा पॉइंट है डिजाइन ऑफ टैंक एंड कूलिंग ऑफ ट्यूब्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, सो टेम्परेचर राइज के बाद है हमारे, ये तो हमने देख लिया कि किस किस वजह से हमारा टेम्परेचर राइज होता है, अब हमें ये देखना है कि उसके टैंक की डिजाइन कैसे करनी है आपको और कूलिंग ट्यूब्स कितनी रखनी है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो वो टॉपिक है हमारा। यहां मैं टॉपिक लिख देता हूं, डिजाइन ऑफ टैंक एंड कूलिंग ट्यूब्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, सो ट्रांसफार्मर में आपका कूलिंग ट्यूब्स प्रोवाइड की जाती है ताकि क्या हो सके, हीट डिसिपेट जो हो रहा है उसका एरिया जो है वो हम लोग इंक्रीज कर सके, इसीलिए हमारी कूलिंग ट्यूब उसमें प्रोवाइड की जाती है। और ये जो ट्यूब होती है वो ट्रांसफार्मर टैंक के वर्टिकली माउंट की जाती है, लेकिन इंक्रीज इन डिसिपेशन ऑफ हीट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज द एरिया बिकॉज ट्यूब वुड स्क्रीन सम ऑफ द टैंक सरफेस प्रिवेंटिंग रेडिएशन फ्रॉम द स्क्रीन सरफेस। On other hand, the tube will improve the circulation of oil. This improves the heat dissipation of loss by the convection. Okay. So the circulation of the oil is due to more effective pressure hand produced by the column of coil out or coil in tubes. तो ये जो heat dissipation आपका हो रहा है
उसमें ऐसा नहीं है कि जो आपकी ट्यूब्स है उसके कारण आपका बहुत ही मतलब सरफेस, जो सरफेस का जो एरिया है वो ज्यादा ही कुछ बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी जो कन्वेक्शन वाली प्रोसेस है वो आपकी बढ़ जाती है। तो जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है लॉस डिसिपेशन में बाय द कन्वेक्शन, वो किसके इक्विवेलेंट होता है? इट इज इक्विवेलेंट टू लॉस डिसिपेटेड बाय द 35% ऑफ द ट्यूब सरफेस एरिया। तो यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, लेट ऐसा अज्यूम करते हैं द डिसिपेटिंग सरफेस, द डिसिपेटिंग सरफेस ऑफ टैंक, वो क्या है हमारा, अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं डिसिपेटिंग सरफेस का जो टैंक का है वो हमारा एस टी है, तो जो डिसिपेटिंग सरफेस है किस चीज की, अब आएगी हमारी ट्यूब्स की, डिसिपेटिंग सरफेस ऑफ ट्यूब्स वो कितनी आएगी, एक्स एस टी जितनी आएगी। ये आपको सब चीजें डायरेक्टली याद रखनी है, इसको मैं आपके लिए डिराइव नहीं कर सकता क्योंकि ये सारी चीजें आपके पहले से ही एक्सपेरिमेंटली आपको प्रूफ की गई है। ओके, सो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉस डिसिपेटेड बाय द सरफेस ऑफ द टैंक बाय रेडिएशन एंड कन्वेक्शन कितना लॉस डिसिपेट हो रहा है, कितना आपका हीट डिसिपेट हो रही है, लॉस हो रहा है वो हो रहा है आपका रेडिएशन से आपका हो रहा है 6 और कन्वेक्शन से आपका हो रहा है 6.5 इंटू डिसिपेटिंग सरफेस ऑफ टैंक, तो ये हमारा हो गया कितना 12.5 ऑफ एच टी, यहां से हमको ये मिल चुका है। देन सेपरेटली अगर बात करें, सेपरेटली अगर हम लोग लॉस डिसिपेटेड बाय ट्यूब्स बाय कन्वेक्शन, ट्यूब्स में तो हमारा बाय कन्वेक्शन भी हमारा लॉस डिसिपेट हो रहा है, वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है हमारा 8.8 एस टी। ये कहां से आया, ये कुछ इस तरीके से आया कि आपका कन्वेक्शन से कितना हो रहा है 6.5 हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 1.35, ये 30 जो हमारा एक्स्ट्रा था, जो हमारा सरफेस एरिया 31% जितना इंक्रीज हो रहा था हीट डिसिपेशन में, उसका हमने क्या किया, यहाँ पे 100+31 यानी 131% इंक्रीज हो रहा है हीट डिसिपेशन, तो यहाँ पे हमने वही चीज करी है। ओके, सो यहाँ पे हमने लिखा 1.31 आएगा, 1.31 मल्टीप्लाई बाय एक्स एस टी, क्योंकि अब ट्यूब की बारी आ गई तो एक्स एस टी आएगा, तो यहां से हमारा 8.8 एक्स एस टी आया। ठीक है, ये बात हो गई हमारी ट्यूब्स की, सरफेस की बात हो चुकी है, ट्यूब्स की बात हो चुकी है, अब हमारा वॉल्स और ट्यूब्स दोनों में टोटल कितना लॉस डिसिपेट हो रहा है, तो टोटल लॉस डिसिपेटेड बाय वॉल्स एंड ट्यूब्स, अब दोनों का कंबाइंड कितना होगा, एक का था हमारे पास 12.5 एस टी और एक का आया हमारे पास 8.8 एक्स एस टी, तो यहां से अगर हम लोग एस टी कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 12.5+8.8 एक्स इंटू एस टी, ये हमारा टोटल लॉस डिसिपेट हो रहा है बाय द वॉल्स एंड ट्यूब्स। तो टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है ट्रांसफॉर्मर ऑयल ट्रांसफॉर्मर में विद द कूलिंग ट्यूब्स, तो वो टेम्परेचर राइज इन ट्रांसफॉर्मर विद कूलिंग ट्यूब्स,
क्यूलिंग ट्यूब्स के साथ हमारा कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, वो हो रहा है हमारा थीटा जितना, वो जो है हमारा टोटल लॉस डिवाइडेड बाय लॉस डिसिपेटेड। ओके, तो यहां पे आपका जो टोटल लॉस है वो कितना है, टोटल लॉस आपका आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस जितना है, तो आप यहां पे लिखेंगे आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, और लॉस डिसिपेटेड कितना है आपका, वो है आपका कुछ ये वाला इक्वेशन आपका, तो आप ये यहां पे रखेंगे 12.5 प्लस 8.8 एक्स एस टी। ओके, तो यहां से आप अगर ये 12.5 प्लस 8.8 को इधर ले जाते हैं तो आपके पास क्या आएगा, पी आई प्लस पी सी डिवाइडेड बाय थीटा एस टी, थीटा एस टी, ये आपके पास इक्वेशन आएगा। तो यहां से आप x की कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की आपके पास वैल्यू आ जाएगी x कितनी आएगी, पी आई प्लस पी सी डिवाइडेड बाय थीटा एस टी माइनस 12.5 इंटू 1.8.8, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो टोटल कूलिंग एरिया, जो कूलिंग ट्यूब थी उसका एरिया, तो टोटल एरिया ऑफ कूलिंग ट्यूब वो कितना था, वो था हमारा एक्स एस टी जितना। अब एक्स की वैल्यू हम लोग यहां से यहां पे पुट करेंगे, यहां से यहां पे एक्स की वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, 1 डिवाइड बाय 8.8 इंटू पी आई प्लस पी सी अपॉन थीटा एस टी माइनस 12.5 इंटू एस टी, समझ गए। तो यहां पे अगर हम लोग एस टी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 अपॉन 8.8 पी आई प्लस पी सी डिवाइड बाय थीटा माइनस 12.5 इंटू एस टी। ओके, नाउ ये तो टोटल एरिया आ गया हमारा ट्यूब्स का, कूलिंग ट्यूब्स का, लेकिन अब हमें नंबर ऑफ ट्यूब्स फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ ट्यूब्स के लिए हम लोग लेट यहां पे एल आई जो है वो होगा हमारा लेंथ ऑफ द ट्यूब, देन डी टी इधर एल टी कर दो, तो ये होगी हमारे डायमीटर ऑफ ट्यूब। ओके, और जो हमारा सरफेस एरिया होगा इच ट्यूब के लिए वो कितना होगा, वो होगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ इच ट्यूब, वो होगा हमारा पाई डी टी एल टी, इतना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स कितनी होगी हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स को हम लोग एन टी से हम लोग डिनोट करते हैं, तो जो हमारा टोटल एरिया आया, टोटल एरिया ऑफ ट्यूब्स जो आया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच ट्यूब, सिंपल मैथमेटिक्स है ये तो। तो टोटल एरिया ऑफ ट्यूब्स जो आया था और डिवाइड बाय अगर हम लोग एरिया ऑफ ईच ट्यूब करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्यूब आ जाएगी, वो कितनी आएगी, 1 अपॉन वन अपॉन 8.8 पाई डी टी एल टी टू पी आई प्लस पी सी डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 12.5 एस टी, ये आ गई हमारी नंबर ऑफ ट्यूब्स की वैल्यू। ओके, तो जो स्टैंडर्ड डायमीटर हम लोग ने पहले से ही फिक्स कर रखा है, तो स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ कूलिंग ट्यूब्स हमारा होता है 50 एमएम का, और जो लेंथ होती है ट्यूब की वो हमारी डिपेंड करती है हाइट ऑफ द टैंक के।
तो जो ट्यूब्स होती है उसे हम लोग सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ 75 mm ऐसे अरेंज करते हैं। कैसे? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, या फिगर आपको बताता हूँ। एरिया कितना है, डायमीटर कितना है आपका 50 mm का। तो जैसे ये आपकी टैंक है, ये आपकी टैंक है मान लीजिए, बरोबर। तो आप कूलिंग ट्यूब्स कैसे लगाएंगे? तो यहां पे आपका 50 mm का डायमीटर वाला आपके ट्यूब्स होंगी, ठीक है, जिसका ये वाला डायमीटर कितना रहेगा आपका 50 mm का, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेंटर का, बिटवीन सेंटर, वो कितना रहेगा? वो हमारा रहेगा 75 mm का। ये हमने पहले से ही स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड डायमीटर हमने पहले से ही फिक्स किया होता है, ठीक है। तो जो हमारा इनर डायमीटर होगा, जो हमारा इनर डिमेंशन होगा ट्रांसफॉर्मर टैंक का, वो हमारा फिक्स होगा बाय द एक्टिव डायमेंशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर और क्लियरेंस बिटवीन द वाइंडिंग्स एंड ग्राउंडेड पार्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। तो टैंक की हम विड्थ कैसे डिसाइड करेंगे? टैंक की विड्थ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, विड्थ ऑफ टैंक, तो वो हम लोग डिनोट करेंगे डब्ल्यू टी से। वो होगी हमारी 2D + DE + 2B, ये होगी हमारी थ्री फेस के लिए, फॉर थ्री फेस। और सिंगल फेस के लिए क्या होगा? 2D की जगह कैपिटल D होगा प्लस DE होगा प्लस 2B होगा, जहां पे B क्या है आपका? क्लियरेंस है बिटवीन एच यू वाइंडिंग और टैंक फॉर सिंगल फेस। तो यहां पे वेर मैं लिख देता हूं, वेर कैपिटल D क्या है आपका? डिस्टेंस बिटवीन एजेस एंड लिंब, DE क्या है आपका? एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ एच यू वाइंडिंग और स्मॉल b क्या है आपका? वो है आपका क्लियरेंस बिटवीन एच यू वाइंडिंग एंड टैंक, ओके। नाउ अगर हम लोग स्मॉल बी को 70 mm कंसिडर करते हैं, तो लेंथ ऑफ द टैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे? डी प्लस 2L। और अगर हम लोग लेंथ को 90 mm कंसिडर करते हैं, तो हाइट कैसे निकलेगी? h प्लस स्मॉल h, ओके। तो इस तरीके से हम लोग कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर और डिजाइन ऑफ टैंक और उसकी कूलिंग ट्यूब्स की डिजाइन भी हम लोग इसी तरीके से डिसाइड करते हैं। आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तब हम लोग आगे का टॉपिक कवर अप करेंगे। जब तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद।